Hello, everyone, welcome to my channel. We are back with CBSE latest and a very big update for all the class 10th and 12th students. So CBSE ने दो दिन पहले एक notification out किया that is containing all the guidelines for class 10th and 12th जो term वन का board exam देने जाएंगे So all the students must be aware of them जब वो exam देने जा रहे हैं उससे पहले उनको पता होना चाहिए So let's understand कि क्या क्या information CBSE ने provide किया so that you are all aware of it. सो द फर्स्ट इज कि सी बी एस ई का जो क्लास टेंथ का टर्म वन एग्जाम हो रहा है दैट विल बिगिन फ्रॉम नवंबर सेवनटीन्थ एंड क्लास ट्वेल्थ का जो होगा वो बिगिन होगा एग्जाम फ्रॉम नवंबर सिक्सटीन ओके सेकेंड उन्होंने बताया है कि सी बी एस ई क्लास टेंथ और ट्वेल्थ का जो बोर्ड टर्म वन एग्जाम है दैट विल बी कंटेनिंग मैक्सिमम ऑफ सिक्सटी क्वेश्चन और स्टूडेंट्स को ओ एम आर शीट फिल करनी है विद अ पेक एज यू ऑल वुड बी वेरी वेल अवेयर कि इस बार सी बी एस ई ने न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ठीक है तो एम सी क्यूज जब आप लोग कर रहे हो तो उसमें आपको बताइए कि चार ऑप्शन होंगे एबीसीडी एंड द स्टूडेंट्स हैव टू फिल दोल्यूशन ओ एम आर शीट में विद द पेन सो स्टूडेंट्स को एक बहुत ज्यादा टेंशन थी आई नो यूड बी है सीरियस टेंशन की ओएमआर शीट जब हम फिल करते हैं तो एक ड्रॉबैक होता है इन केस आप uh, को पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर सी है एंड आपने उसको फिल कर दिया एंड एट दी एंड जब आप रिवाइज कर रहे हो आप सोल्यूशन दोबारा निकाल के ट्राई कर रहे हो दैट आपका सोल्यूशन सही है नहीं, कि नहीं यू फाइंड आउट कि सी ऑप्शन नहीं था एक्चुअली ऑप्शन डी था तो इन केस आपको जब कुछ रॉन्ग फिल कर देते हो आप आंसर तो आपको एक टेंशन थी कि उस केसेस में हम क्या करेंगे हम क्रॉस करेंगे या हम फ्लूड का यूज़ करेंगे वो सब बच्चों को टेंशन हो रही थी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था तो इस चीज़ को कंसिडर करके सी ने एक न्यू गाइडलाइन एक न्यू इन्फॉर्मेशन अपडेट हम लोगों को प्रोवाइड किया है कि जब हम बोर्ड का टर्म वन या टर्म टू का जो भी एग्जाम देने जाएंगे तो ओ शीट जो है वो कंटेन करेगी एक एडिशनल बॉक्स और यू कैन से एन एडिशनल कॉलम हर एक क्वेश्चन के लिए ओ एम आर शीट में ए बी सी डी का ऑप्शन तो होगा बट साथ में एक आपको एक एडिशनल बॉक्स दिया होगा ताकि स्टूडेंट्स इन केस अगर कभी रॉन्ग आंसर फिल करें तो उस करेक्ट ऑप्शन को लाइक इन केस आप एक एग्ज़ाम देने गए हो आपका एक क्वेश्चन का आंसर सी था आपने सी उसको सिलेक्ट करके ओ एम आर शीट में उसको फिल करके सर्कल कर दिया सी को फिल सर्कल जो था उसको आपने फिल कर दिया सी ऑप्शन पे उसके बाद आप जब उसको रिसेंटली आप रिवाइज कर रहे हो देन यू फाइंड आउट कि आपका ऑप्शन ए था तो आपने सी फिल किया तो आपको और कुछ नहीं करना आपको उसी का क्वेश्चन का लेट से इट वाज थर्ड क्वेश्चन तो थर्ड क्वेश्चन में आपने जब सी किया था उसी थर्ड क्वेश्चन पर आप बॉक्स में ए लिख दो तो दैट विल बी बेसिकली कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन आपका ऑप्शन ए कंसिडर होगा तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट स्टूडेंट्स के लिए जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन थी तो दैट विल बी अ सेंस ऑफ रिलीफ फॉर देम इज़ नेक्स्ट गाइडलाइन उन्होंने बताया कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो है वो नाइन्टी मिनट्स का होगा ओके okay? नेक्स्ट है एग्जामिनेशन जो होगा वो स्टार्ट होगा इलेवन थर्टी से इंस्टेड ऑफ टेन थर्टी उन लोगों ने अपडेट प्रोवाइड किया है कि दे आर बेसिकली प्लानिंग की एग्जाम जो है वो स्टार्ट करें इलेवन थर्टी से इंस्टेड ऑफ टेन थर्टी बिकॉज ऑफ द विंटर सीजन की वजह से बट इनकेस देड्यूल चेंजेस कि इन केस वो टाइमिंग और चेंज कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स जो है वो अपडेट उनको अपडेट मिलेगा फ्रॉम द स्कूल से स्कूल टीचर्स उनको अपडेट देगी या एक न्यू नोटिफिकेशन भी वो रिलीज कर सकते हैं इन द चेंज बट एज़ पर द न्यू उन लोगों ने जो नोटिफिकेशन आउट किया उसमें उन लोगों ने इंफॉमेशन प्रोवाइड की कि दे आर बेसिकली प्लानिंग कि वो स्टार्ट करें फ्रॉम इलेवन थर्टी इंस्टेड ऑफ टेन थर्टी ओके नेक्स्ट गाइडलाइन उन्होंने प्रोवाइड की थी कि स्टूडेंट्स को 20 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा स्टार्ट ऑफ एग्ज़ाम से पहले इंस्टेड ऑफ़ 15 मिनट्स जब आप लोगों ने प्री बोर्ड्स दिए होंगे अपने तब आपको पता होगा कि आपको 15 मिनट्स का टाइम अलॉट किया गया था ऑल द सब्जेक्ट्स के लिए बिफोर कि आप उनको पढ़ सको क्वेश्चन को एंड उसके बाद एग्जाम स्टार्ट हो रहा था बेसिकली सी बी एस ई ने क्या किया उन्होंने प्लान किया कि इंस्टेड ऑफ फिफ्टीन मिनट्स वो बच्चों को ट्वेंटी मिनट्स देंगे रीडिंग टाइम ओके नेक्स्ट गाइडलाइन उन्होंने ये प्रोवाइड किया कि स्टूडेंट्स कि को जो एक सेपरेट शीट मिलेगी रफ वर्क के लिए एग्जाम सेंटर में तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल कि आप ओ शीट के साथ आपको एक रफ शीट तो मिलेगी ही मिलेगी कि आप जब क्वेश्चंस का रफ वर्क करो सोल्यूशन निकालने के लिए तो उसमें आप कर सकते हैं देन यू कैन फिल द आंसर इन द ओमआर शीट ओके नेक्स्ट उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि अगर क्वेश्चन पेपर आपका 50 क्वेश्चन का है इन केस यू हैव अ सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश अगर आपका इंग्लिश का पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन है तो ओ शीट में आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर करना है और जो बाकी बेसिकली जो आपको ओ शीट मिलेगी उसमें मैक्सिमम 60 क्वेश्चन तो प्रोवाइड होंगे ही होंगे एंड इन केस आपके क्वेश्चन पेपर में फिफ्टी क्वेश्चन है या जितने भी क्वेश्चन हैं आपको उन्हीं के आंसर्स ओ शीट में करने हैं रेस्ट क्वेश्चन के ऑप्शन आपको इग्नोर करने हैं ओके okay? अब मैंने आपको पहले ही आ, स्लाइड में बताया था कि एज़ पर न्यू गाइडलाइन आपको पता ही होगा कि सी बी एस ई के जो बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं टर्म वन और टर्म टू के वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं तो हर एक क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शन मिलेंगे ए बी सी एंड डी तो उनका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर फिल करना है एंड एडिशनल कॉलम भी आपके में ऐड हो गया एज न्यू अपडेट जो सी बी एस ई ने दी है इन केस आपका क्वेश्चन कोई आंसर रॉन्ग पर है आप उसमें करेक्ट आंसर भर सकते हो ऑप्शन डाल सकते हो इन दैट बॉक्स एंड दैट ऑप्शन विल बी ओनली कंसिडर्ड फॉर इवेल्यूएशन ओके नेक्स्ट पॉइंट सी बी एस ई ने यह बताया कि उनका जो ऑफिशियल है सीबीएसई की साइट में कि रोल जो स्टूडेंट्स के और अगर कुछ इन केस जो अभी गाइडलाइंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया उनकी जगह कोई और गाइडलाइंस भी ऐड होनी है या इन्हीं गाइडलाइंस में कुछ भी अपडेट होना है तो सी उसकी ऑफिशियल नोटिस जो है वो अपलोड कर देगी अपनी ऑफिशियल साइट पर नवंबर नाइन्थ को ये मतलब कि कल वो न्यू अपलोड कर देगी कल या उसके एक दो दिन बाद नाइन्थ या टेंथ इलेवेंथ तक वो मैक्सिमम अपलोड कर देंगी जहाँ पे आप स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर ले सकते हो और कंप्लीट गाइडलाइंस टर्म की अगर केस इन गाइडलाइंस में कुछ भी अपडेट है तो वो वहाँ पे मिल जाएगा या कुछ भी चेंज है तो वो आप वहाँ पर देख सकते हो सो स्टूडेंट्स डीज द गाइडलाइंस जो सी बी एस ई ने दो दिन पहले नोटिफिकेशन में अपने अपलोड किया था एंड इन केस इनमें कुछ भी चेंज आता है कुछ भी अपडेट आता है तो आई एल अपलोड द सेम ऑन द चैनल सो डोंट टेक एनी टेंशन एंड जस्ट प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू